स्टोरेज ऑफ ए कार है द ईएमएफ ऑफ दिस मच, मतलब एक्चुअल में रियल में तेरे को पता नहीं, मुझे पता नहीं तुझे मालूम है कि नहीं, बैटरी कार का जो बैटरी रहता है ना, कार का जो बैटरी रहता है ना वो 12 वोल्ट का रहता है, या तो 12 का रहता है तो 24 का रहता है। हम मेरे को याद है मैं L&T में काम किया हूं, हम यही काम करते थे, बैटरी चेक करो, एसिड चेक करो, पानी चेक करो एंड ऑल दैट, हम यही करते थे L&T में बहुत सारी चीजें, गियर बॉक्स चेक करो, फिल्टर चेक करो, बस हम रिपेयर मेंटेनेंस में थे ना, सिर्फ चेकिंग का ही काम करते थे, हालत गाड़ी की कंडीशन सिर्फ रिपेयर और मेंटेनेंस, इंजन का ओवरऑलिंग करो, पूरा इंजन निकालो, वापस इंजन असेंबल करो, और पिस्टन पिस्टन का कितना क्लियरेंस रखो, सब किया है। ओके, द स्टोरेज ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ दिस मच, इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट। हमको पता है करंट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाय आर प्लस आर, मतलब 12 वोल्ट है, इंटरनल आर नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है, इन द क्वेश्चन एक्सटर्नल इज नॉट गिवन, एक्सटर्नल नहीं है, छोटा आर 0.4, 12 डिवाइडेड बाय 0.4 ये हो जाएगा 4/10, 4 1s 4 3s, ये ऊपर आया तो ये 3 × 10 दैट इज इक्वल टू 30 एम्पियर, तो करंट इज 30 एम्पियर, एनसीआर 3.1, क्लियर? ओके, सो सिंपल।